क्या बात है। लुक किधर ही, होल्ड होल्ड, एक मिनट यहाँ पे, जब तक नहीं बोले। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बस ना होगा ना, देखना इतने तो दूर हो गए आप, प्रॉपर आप लोग पहन लो। हाँ मैं बोलूँगा थोड़ा सा पोछे ऐसे। Hold, hold. थोड़ा बाल समारो आप, फिर बस हो गया। इनको होल्ड होल्ड होल्ड, ऐसे रखो। ऑटो को नजदीक थोड़ा सा, नजदीक में तो एक इधर भी देखो जरा, दोनों जन यहाँ पे भी देखो भाई, यहाँ पे भी देखो सब। होल्ड होल्ड, सुन नहीं गए बैठी। सिंगल पीछे निकालना, रुकना मैडम, सिंगल बोलो एक बार।
होल्ड होल्ड चेंज चेंज सबसे पहले आपका नाम हाय आई एम खुशबू सिन्हा साइलेंस जी मेरा नाम है खुशबू सिन्हा खुशबू जी अगर बात करें यार फोटोशूट हो रहा बताना चाहेंगे दर्शकों क्या है एक्चुअली ये हमारे एल्बम के लिए है पिया ओके एंड फॉर मी इट्स अ डेब्यू एल्बम मैं फर्स्ट ये दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोजेक्ट एक्चुअली एंड द प्रोड्यूसर इज़ मिस्टर सहीम खान एंड दिस सॉन्ग इज़ सॉन्ग बाय नजीम अली दिस सॉन्ग इज़ बीन सॉन्ग बाय नजीम अली उनकी भी ये डेब्यू एल्बम है एंड इट्स अ सूफी सॉन्ग बेसिकली एंड आई मीन डेफिनेटली वेरी यू कैन से इमोशनल एंड व्हेन यू हियर दिस सॉन्ग इट्स लाइक वेरी क्लोज टू योर हार्ट ओके इसमें कितने गाने हैं क्या सीन फिल्माया जा रहा है अभी एक्चुअली बेसिकली वी आर शूटिंग इसमें एक स्टोरी है जो कि एक गर्ल और एक बॉय है जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो इसमें वो लोग एक बैंक रॉबरी करते हैं एंड द गर्ल बेसिकली वो डिच कर देती है लड़के को एंड देन वो पैसे के लिए उसने उसको गोली मार दी और वो चली गई उसको छोड़ के और अनफॉर्चुनेटली वो लड़का बच गया एंड देन वो उसकी यादों में गाना गा रहा है इतनी बड़ी कहानी है और ये एल्बम में उतारना कितना मुश्किल था इट वॉज ऑफकोर्स बिट डिफिकल्ट बट आई मीन सिंस आर डायरेक्टर नदीम जी इज़ हेयर तो उन्होंने आई मीन दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोजेक्ट तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया एंड इट वॉज आई मीन ही ट्राइड टू मेक इट एज ईजी एज पॉसिबल तो हर फिल्म एल्बम के लिए बोल्ड सीन जरूरी होता है इसमें क्या आप कुछ दे रहे हैं ऐसा सीन बोल्ड सीन्स थोड़े बहुत हैं आप देखेंगे तो आई एम श्योर दर्शकों को डेफिनेटली पसंद आएगा आप कितना विश्वास रखते हैं बोल्ड सीन के बारे में अगर बात करें जैसे नदीम ने और भी बहुत सारे आर्टिस्ट जो स्टार्टिंग में हर कोई बोल्ड सीन के लिए अपने आप को मार्केट में उतारना चाहता है एल्बम के जरिए किसी भी आप कैसे डेमो कर रहे हैं आई एम ओपन टू आई मीन बोल्डर स्टफ्स आल्सो बट आई मीन इट शुड बी द डिमांड ऑफ द कैरेक्टर शुड बी लाइक अकॉर्डिंग टू द स्टोरी ऐसे कहीं पे भी लाइक इट्स नॉट अगर फिट नहीं है तो यू नो what else? I mean, just watch my album and I hope everybody likes it. Definitely, this is my first album, first project. So I'm hoping ki agar ye darshakon ko pasand aayegi to they'll get to see a lot more of me. Thank you. Thank you. जी मेरा नाम सहीम खान है. ये जो शूट चल रहा है इसके बारे में बताएंगे आप हम लोग एक वीडियो एल्बम का शूट कर रहे हैं अभी जो एक क्रिमिनल लव स्टोरी है जिसमें एक लड़का है एक लड़की है दोनों मिलकर एक रॉबरी प्लान करते हैं इस बीच में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और फिर सडनली लड़की का माइंड चेंज हो जाता है और उसको गोली मार देती है वो आप साथ में आप इसमें एज एक्ट कर रहे हैं हाँ जी अभी क्या सीन अभी फ़िलहाल हमारी हमारे गाने का प्री क्लाइमेक्स चल रहा है और एक दो दिन में कंप्लीट कर लेंगे शूटिंग हम लोग कुछ बोल्ड सीन दिए जा रहे हैं क्या कुछ मसाला है एल्बम में जो दर्शकों को एक्चुअली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आज की डेट में इंडस्ट्री बोल्ड पे टिकी हुई है कभी रागिनी MMS 2 आ रही है तो कभी डर्टी पिक्चर आ रही है तो हम लोगों ने भी सोचा यार कुछ बोल्ड करके देखते हैं और इसमें आपके और कौन कौन है इसमें कलाकार की बात इसमें मैं और खुशबू हैं हम दोनों ही हैं इसमें और आपका कोई फिल्म बैकग्राउंड कितना काम दे चुके हैं अभी तक फर्स्ट क्या मेरी फिल्म आई थी चेहरा द अननोन मास्क 26 अप्रैल को आशिकी 2 के साथ रिलीज़ हुई थी जो एक एवरेज बिजनेस किया उसने पूरी टीम ने काफ़ी मेहनत की थी लेकिन हमें सफलता नहीं मिल पाई कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम थी बट होपफुली इसमें उस प्रॉब्लम को हम लोग ठीक कर चुके हैं गाने की लाइनें क्या है अभी जो फिल्म आई जा रहा है गाने की लाइनें हैं गा के सुनो एक लाइन है कोई गुनगुनाएंगे पिया साथ नहीं थैंक यू शुक्रिया बहुत बहुत
आपका नाम? जी मेरा नाम नाजिम अली है। इस जो एल्बम आ रही है इसमें आपने सिंगिंग की है? हाँ जी। किस तरह का म्यूजिक है? म्यूज़िक है वेस्टर्न टाइप का है, लेकिन उसके अंदर जो आवाज़ का टेक्सचर हम लोगों ने दिया है वो सूफ़ी है, क्योंकि आजकल एक हाई पिच सॉन्ग लोग ज़्यादा पसंद आते हैं, तो मैंने उस तरीके की कोशिश की है और इंशाल्लाह आप सबको पसंद आएगा। लड़की को भी सही फिट किया गाने में आपने, जो ली है सर वो तो वो अब जो प्रोड्यूसर हैं उनकी वो जानते हैं इस चीज़ को, बट ये है कि मैंने अपना काम मेरी साइड से कोशिश की है कि मैं अच्छा करूँ। कहने के आपके गाने की डिमांड थी कि ऐसी लड़की चाहिए जो बोल्ड हो? हाँ वो डिमांड थी कि उसके अंदर जो उसके अंदर गाने के अंदर जो फीलिंग्स हैं वो उसको फुलफिल चाहिए, फुलफिल करना था हमें, तो अब सहीम सर ने जो उन्हें अच्छा लगा, उन्हें जो अच्छी लगी लड़की उन्होंने उसको चूज़ किया। जी।